वो कठोर नहीं होते बिल्कुल प्लीज। भाई मैं लगा चीट कर रहे हैं मैं। भाई अभी तो बंद कर लो, मेरे पे जोक नहीं है, मेरे पे जोक नहीं। दोबारा करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से वीडियो का स्टार्ट नहीं है, टाइटल आप पढ़ चुके हो। ये व्लॉग नहीं है, ये चैलेंज वीडियो है, क्योंकि काफी टाइम से आप कह रहे थे कि चैलेंज वीडियो नहीं आई, सो मैंने सोचा चैलेंज वीडियो निकाल देते हैं। सो सीधा वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मुझे शावर लेने जाना है, थोड़ा सा बॉडी केयर करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये कर लो पहले, उसके बाद सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, लास्ट कुछ वीडियोज में मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी बॉडी केयर पे ध्यान देना शुरू करा है, बिकॉज रिसेंटली आई गॉट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लम बॉडी लविंग। अब ये कुछ नया लाए हैं एंड गाइज आई एम लविंग देम, दिस इज माय ऑनेस्ट रिव्यू। मुझे ये इतने पसंद आए हैं कि मैं इनको बार बार ऑर्डर करती हूँ, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे एक तो ये क्यूट लगते हैं इतने, और इनकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और इनकी टैगलाइन फैट स्लिम टॉल शॉर्ट डार्क फेयर लेबल्स दे डोंट मैटर यू डू लव दैट बॉडी एवरी इंच। प्यारी समझ गई, प्लम बॉडी लविंग से इतने एडिक्ट हो चुके कि मैं शावर लेते हुए हमेशा यही यूज करती हूँ। सो शावर लेते हुए जो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट यूज करती हूँ वो है जेल बॉडी स्क्रब, और इसका नाम है ड्राइविंग मी चेरी। ये आपकी स्किन पॉलिशिंग एंड क्लींजिंग में बहुत हेल्प करता है एंड स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाता है। सो फिर आता है ये शावर जेल ड्राइविंग मी चेरी एंड दिस इज सल्फेट फ्री। ये आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज और क्लीन बनाता है एंड यस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है, ये है क्रीम लोशन स्मूदी फॉर्म में विद ब्राजिल नट ऑयल एंड यस दिस इज सुपर मॉइस्चराइजिंग, इट इज नॉन ग्रीसी एंड सिलिकॉन, और इसको स्मूदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो टेक्सचर है और जो इसकी फ्रेग्रेंस है, और मुझे इसीलिए ये बहुत पसंद आया एंड यस इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऑल स्किन टाइप्स पे वर्क करता है। ऑब्वियसली ये बॉडी केयर है तो मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगी, बट मैं बिफोर और आफ्टर अपनी स्किन की फोटो जरूर डालूंगी। एंड यस ये 100% वेगन एंड क्रुएलिटी फ्री है एंड द बेस्ट पार्ट इज इसकी जो पैकेजिंग है वो रिसाइक्लेबल है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे। कीर्ति 20 यूज करने पे आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो बाय गाइस, अब मैं शूट पे जाती हूं। ओ सॉरी, पहले शावर लेने जाती हूं फिर मैं शूट पे जाती हूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो। यह सिर्फ मनोरंजन पर्पस के लिए है, इसे कृपया करके सीरियसली ना लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। सो आज जो हम चैलेंज करने वाले हैं वो उसका नाम है ट्राई नॉट टू लाफ। तो इसमें एल्विश चार जोक मारेगा और हम दोनों को नहीं हंसना। गजब बेइज्जती है, सबके पास चार चार जोक्स मारेंगे और किसी को नहीं हंसना। मेरे पे ना जोक, मेरे पे भी गूगल बिना मिल रहा, गूगल मैं हारने वाली हूँ, मेरे को एहसास हो गया। अगर मैं जीती तो मैं तुम दोनों से कोई भी काम करवाऊंगी, एल्विश जीता तो हम दोनों से कोई भी करवा, मैं जीता तो हम दोनों से कोई भी करवा सकता है, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं मेरे से मारने ना ले। तो फर्स्ट जोक है, हमें तो हंसना नहीं है ना, तुम जानबूझ के मत, इतना वो कठोर नहीं होते बिल्कुल प्लीज। चलो कोई नहीं, अगर जैकी चैन की मदर इन लॉ किडनैप हो जाए तो उसे वापस कौन लाएगा? जैकी चैन की माँ किडनैप हो जाए तो उसे वापस कौन लाएगा? जैकी चैन का पापा, जैकी श्रॉफ। विक्स वेपोर अप, क्योंकि विक्स लौटाए चैन की साथ। कोई सवाल ही पैदा नहीं। शादी की पहली रात को शोहर अपनी बीवी से, बेगम इजाजत है? बीवी कहती जी इजाजत है। शोहर ने सुबह तक बहुत बुरा हाल कर दिया, बीवी बीमार हो गई, शोहर उसको ससुराल छोड़ने चला गया। वापिस आने लगा तो अपने सास और ससुर से बोला, अच्छा जी इजाजत है? तो पीछे से बीवी चिल्लाई, पापा इजाजत मत देना। मसले की है, बहुत गंदा, बहुत गंदा।
कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है। नॉर्मी हाय, चलो भाई जो नरेंद्र मोदी है अपना, ठीक है, वो सुबह के टाइम क्यों नहीं सोता? नींद ना रही होगी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है इस डे कि तेरा है। मैंने ये पढ़ा था और मैंने सोचा ये तो मैं नहीं बोलूंगी। ओह शिट, चलो भाई को यार, मेरा सबसे बढ़िया था ना अब तक का। नहीं अगर बहुत सारे किसान एक साथ, यार तुम यहाँ बीजेपी जोक्स मार, पॉलिटिकल जोक्स मार रही है ना। अगर बहुत सारे किसान एक साथ जंग पर फंस गए तो उसे क्या कहेंगे? किसान जैम। किसान जैम कहेंगे पर फनी। तूने देख लिया कीर्ति, तूने कली फोर्थ कर क्लास करी है ना यार, मेरे को मेरे पे ये हंसेंगे ही नहीं यार, क्या करूं मैं, मर जाऊं। एक बार एक केले वाला गली में केले बेच रहा था, केले वाला, केले ले लो, गांड फाड़ केले ले लो, महिला, ओए केले वाले ये कैसे केले, पहले तो कभी नहीं सुने कितने के है। केले वाला कहता 250 रुपए का है मैडम जी। महिला हैरान होते हुए, क्या कह रहा, देखा फटगी ना गांड। हंस रहे अंदर अंदर ना, हंस रहे तब भाई ऐसी वो होते जो खुल के बाहर आ जाए ऐसी। भाई अच्छा जोक था, मैंने दो जोक मारे, दोनों अच्छे मारे यार। कमेंट करके बता देना भैया, माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो ढंग से हंसती भाई, हंसती कीर्ति, खा जा मार, सो जोक तो मार, तो भाई बिना जोक मारे ऐसा होता कैसे? सुनो जोक मारने के बाद हंसाना भाई। ओ फक भाई, I love you. लोग होते हैं जो जिम जाना पसंद नहीं करते, उनको क्या कहते हैं? करप्ट, अनफिट। नहीं भाई कीर्ति बता क्या कहते हैं उनको भाई, इनको कहते हैं जिमनास्टिक, जिमनास्टिक। कैसा लगा? यस रे, रक्षा बंधन वाले दिन विराट कोहली क्या बन जाता है? ब्रोकोली। मम्मी कसम भी झूठी खा ले रहे पे, तो यार अलग अलग जोक आ रहे हैं साढ़े। देखिए देख क्या, एक लड़की तांगे वाले से पूछ। चलो तो फिर थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मेरा जोक है, मेरा जोक। अलग अलग लड़कों की गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को इस प्रकार लड़ रही थी। पायलट की गर्लफ्रेंड कह रही ज्यादा उड़ मत, समझा। टीचर की गर्लफ्रेंड कह रही मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। डेंटिस्ट की गर्लफ्रेंड कहती तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगी। इंजीनियर की गर्लफ्रेंड बताओ उसे क्या कहती? काम ठीक से करना सीख लो। नहीं कह रही तू पहले नौकरी ढूंढ ले। कैसे लगी? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। फनी नहीं था मेरे को, क्यों आया? राजू संता बनता तो उन तीनों में कंपटीशन लड़गा कि भाई कौन अपनी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा खुश रखता। तो संता कहता कि भाई मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 24 घंटे रहता हूँ, बड़े टाइम स्पेंड करता हूँ। बनता कहता कि भाई मैं तो 12 घंटे रहता हूँ, 12 घंटे की जो 12 घंटे फुल मेकआउट मारता हूँ। और जो राजू था वो था आरामी, तो कह रहा बस भाई। तो राजू कहता सुन रही बाहर निकलिए। ऐसा लगा समझ के परी है, बिल्कुल ही समझ के परी है। तो मैं दोनों का साथ दिया, मैं अभी आगे चल रहा हूँ इकट्ठा, टू डाउन, ठीक है? ये टू पे ओ भाई, मैं थोड़ी आ सकूँ। कीर्ति का मन है, मेरा टू है। लास्ट लास्ट से सबसे चलो चलो आ गया, लास्ट है लास्ट। दूर से देखा तो पानी बरस रहा था, दूर से देखा तो पानी बरस रहा था, पास जाके देखा तो भीग गया। चलो भाई तुम्हारी बात नहीं, मैं कीर्ति को तो जानता ही नहीं। तुम्हारा क्या करेंगे इसकी गारंटी हम भी नहीं दे सकते। एक लड़के का गर्लफ्रेंड से गिफ्ट मांगा भाई, यार ये कह दीजिए एक बार पढ़े, एक बार ये पढ़े, ये बोल लेंगे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं चलो ना मेरे दोस्तों, मेरे हानियों। ये देखियो एक बॉल भी छोड़ दो। 2-1-0
एल्विस का जीरो, कीर्ति का एक, मेरे हैं दो। 2-1-0 अरे बाप रे क्या कर रहे हो तू? इससे फर्क नहीं पड़ता। आओ खत्म बाय। कैसे डालूंगी मैं, ये देख रही हूँ मैं। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। मेरा आखिरी है नहीं ऐसा, पर तुम जीरो है। भाई मेरा जोक होता है, मैं धोई नहीं इस जोक में, पहली बात तो माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों। बाय बाय। ये श्री थी और रोक गई और बाय बाय। बहुत गंदा था। ठीक है तो डेयर मिला है, मतलब डेयर करवाना है इनसे। ये रही हरी मिर्च, दोनों को भाई एक एक मिर्च ठानी है, अपनी कोई भी मिर्च उठा लो इसमें, इनको देखना। ठीक है भाई राव साहब चल, 3-2-1 बोलूंगा और उस पर स्टार्ट होती है। 3-2 ओ भाई ओ चीटर ओ कुत्ता ओए ओए, कट की आवाज आई, कट की आवाज आई। नहीं 3-2-1 खाओ पूरा खाली भाई, ज्यादा निकाली जाएगी, ज्यादा निकाली जाएगी यार ये चीटर भी पूरी खाई, बिल्कुल चीटिंग नहीं। उसको मैं जेल के अंदर डालूंगा। गाइस तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले चैलेंज वीडियो का वेट करना, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। सब घट निकलता यार, मेरा नाश कर दिया यार, माफ़ी यार।